तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 4 साल से पदोन्नति नहीं, वर्तमान में L1 के 8596 और L2 के मात्र 5855 पद खाली। जयपुर राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा रीट के लिए आवेदन की प्रक्रिया घोषणा कर दी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग को नई तृतीय श्रेणी शिक्षा भर्ती कराने बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसका बड़ा कारण है कि विभाग के पास खाली पदों की संख्या कम है। विभाग में 4 साल से पदोन्नति की प्रक्रिया अटकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पदोन्नति नहीं होने से तृतीय श्रेणी शिक्षक पद खाली नहीं हो रहे, इसका सीधा नुकसान नई भर्ती में होगा। शिक्षक संगठन लंबे समय से विभाग से मांग करें सुप्रीम कोर्ट इस मामले को निस्तारण कराकर पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि शिक्षकों के साथ युवाओं को भी फायदा हो। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जुलाई तक रिपोर्ट के अनुसार प्राइमरी शिक्षा में L1 के 8596 और L2 के 5855 पद ही खाली है। इतनी कम संख्या में खाली पद होने से विभाग के अधिकारी परेशान हैं क्योंकि उन्हें नई भर्ती के लिए पद नहीं मिलते। विभाग अगर सुप्रीम कोर्ट से पदोन्नति के मामले में निस्तारण करा लेता है तो करीब 20,000 पद खाली होने की संभावना है। रीट के परिणाम के बाद निकलेगी अध्यापक भर्ती। इस बार 10 लाख आवेदन की यहाँ पर संभावना बताई गई है। भर्ती से पहले पदोन्नति नहीं तो अध्यापक भर्ती में पदों की संख्या कम रहेगी। तृतीय श्रेणी शिक्षा से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सरकार इस फैसले को जल्द से जल्द निस्तारण कराएं, इससे शिक्षकों को पदोन्नति का फायदा मिलेगा। साथ ही नई भर्ती के लिए पद खाली हो सकेंगे, इसमें युवाओं को भी फायदा होगा। विभिन्न प्रकाश शर्मा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है जो पदोन्नति होगी उससे यहाँ पर जो पद खाली होंगे, तो यहाँ जो युवा हैं नई भर्ती के लिए उन्हें फ़ायदा होगा। स्कूल व्याख्याता भर्ती में कम पदों से पहले युवाओं में निराशा है। अगर अध्यापक भर्ती में पदों की संख्या कम रही तो बेरोजगार युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हनुमान किसान अध्यक्ष नेशनल फ्रीडम यूनियन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मांग उठाई है, रीट परिणाम के बाद ये भर्ती निकलेगी तो पात्रता परीक्षा होनी है। तो ये अपडेट चीज़ आपके सामने शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।